हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड सक्सेस। तो आज यहाँ बात करने जा रहे हैं आपकी क्वेरीज से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज हैं इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ और एपीएस के रिगार्डिंग। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी टाइपिंग की क्वेरी थी वो सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर कर दी गई है। चाहे कोई भी हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग जीरो से क्यों ना सीख रहा हो, इस वीडियो में आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे। तो इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग जो जीरो से शुरू कर रहा है उनको मैं ये बता दूं कि आपको टाइपिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर खुद टाइपिंग सीख सकते हैं। और एक से डेढ़ मंथ में आप चाहे हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, अच्छी खासी 35 से 40 स्पीड ला सकते हैं अपनी। और वो कैसे लाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। डेली बस 30 से 40 मिनट वन वर्ड टाइपिंग करनी है। ये सिर्फ मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, मैंने जब शुरू किया था तो आपके जैसे मैं भी परेशान थी कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए या कोई अच्छी ऐप जिस पर एक दो मंथ में टाइपिंग सीख सकूं। तब फाइनली जहां पर मैं शॉर्ट हैंड पढ़ती थी वहां पर मैंने अपने सर को ये सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मेरे को ये फॉर्मूला बताया, दैट इज वन वर्ड टाइपिंग। इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप विद इन अ मंथ और टू मंथ में आप अच्छी खासी टाइपिंग की स्पीड अपनी ला सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये वन वर्ड टाइपिंग है क्या और इसे करें कैसे? तो पहला रूल है वन वर्ड टाइपिंग का, डू नॉट टच बैकस्पेस बटन। बैकस्पेस बटन को छूना भी नहीं है वाइल टाइपिंग, टाइपिंग करते वक्त आपको बैकस्पेस बटन बिल्कुल नहीं छूना है। सेकंड टिप के बारे में बात करें तो जो आप लिख रहे हैं उसे एक एक वर्ड को बोल बोल कर टाइप करें। जो भी आप लिख रहे हैं चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, एक एक वर्ड को बोल करके आपको लिखना है। एंड द थर्ड टिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे थर्ड टिप है आपकी, आपकी स्पीड चाहे जीरो हो या 40 हो, अगर आपको एक्यूरेसी के साथ ये टाइपिंग को पूरा कंप्लीट करते हुए सीखना है तो एक एक वर्ड को आराम आराम से टाइप करें विदाउट टचिंग बैकस्पेस, जैसे कि मैंने अभी बताया। ये तीनों ही टिप ऐसी है जो बोलने सुनने में तो बहुत सिंपल लग रही है, बट इट एक्चुअली गिव्स एन इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो फॉलो करके देखिए आप इस ट्रिक को, 2 वीक्स में आप रिजल्ट्स अच्छे खासे पाएंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपनी टाइपिंग में। तो फॉलो करें आज से ही वन वर्ड टाइपिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में, जिससे रिलेटेड काफी क्वेरीज आई थी, जैसे कौन सा फॉन्ट यूज करें, कैसे और किस ऐप से टाइपिंग सीखे। पहले तो मैं बता दूं, चाहे हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो, आपको एमएस ऑफिस पे ही काम करना है, मतलब एमएस वर्ड पर ही टाइप करना सीखना है। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीड की, चाहे आप जीरो से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट करेंगे जब भी तो एमएस वर्ड से ही स्टार्ट करें। हमेशा एमएस वर्ड पे ही आप अपनी एक्यूरेसी चेक करें। ऑटो करेक्शन को सेटिंग में जाकर के हटा दें, टाइमर मोबाइल में सेट करें। को किसी भी ऐप की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी ऐप इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो उस पे जाकर के आप टाइपिंग सीखे, अपनी एक्यूरेसी देखे, नहीं। आप जब टाइप करते हैं एमएस वर्ड पे तो साइड में आपको दिखाता है कि कितने वर्ड टोटल आपने टाइप किए हैं, साथ ही मोबाइल आपकी टाइमिंग शो करता ही है। आप 15 मिनट 10 मिनट टाइमर सेट करें और फिर वर्ड देखें और उसे कैलकुलेट करके अपनी स्पीड को चेक करें। इसी के साथ आप अपनी एक्यूरेसी भी देख सकते हैं कि कितना आप सही टाइप कर रहे हैं कितना गलत टाइप कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप वन वर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं डेफिनेटली आपकी कोई भी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं 40 की भी स्पीड है, नो प्रॉब्लम। आप घर में डेली 20 मिनट वन वर्ड टाइपिंग करें, बहुत सारी मिस्टेक आती है जो ज्यादा जल्दी जल्दी टाइप करते हैं, तो आराम से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है वन वर्ड की, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी एक्यूरेसी की। और बात करें जहां तक हिंदी टाइपिंग के बारे में, तो हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें आपने ये पूछा था पहले, तो हिंदी टाइपिंग सीखने का आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट से जो टाइपिंग की बुक होती है वो लाने की जरूरत है, ये मैं आपको दिखा दे रही। कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, तो बस आपको उसे अपने लैपटॉप या पीसी पर प्रैक्टिस करना है। शुरू के कुछ दिन आपको हार्ड लगेंगे, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली 2 वीक्स में देखने को मिलेगा आप में। और जहां तक बात करें प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, तो बस 2 दिन एक एक्सरसाइज चलाएं, एक एक्सरसाइज जो दी हुई है 2 दिन प्रैक्टिस करें, देन थर्ड डे जब आप दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देन जो पहली एक्सरसाइज आपने फॉलो करी है शुरू के 2 दिन, उसी को आप एक बार रिपीट करें, 2 लाइन रिपीट करें, बस इतना काफी है। फिर उसके बाद थर्ड डे पे आप अपनी सेकंड स्टार्ट करें, फिर उसको 2 दिन फॉलो करें एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर। टाइपिंग में आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। एग्जाम में अभी काफी अच्छा टाइम है तो इसे आप कवर कर सकते हैं। डेली का आपको 20 to 30 मिनट्स देना है आपको अपने टाइपिंग के लिए। अब बात करते हैं आरओ एआरओ टाइपिंग में हिंदी फॉन्ट कौन सा होगा, मंगल या कृतिदेव। तो आपके एग्जाम में देखा जाए तो 90% चांस है मंगल का आने का, मतलब मंगल फॉन्ट के आने का काफी चांस है, क्योंकि अभी जो रीसेंट पेपर हुआ है एएचसी के ग्रुप सी डी या स्टेनोग्रेड सी का, इन भर्तियों में अभी मंगल ही फॉन्ट आया हुआ था आपका। और मंगल फॉन्ट में भी कौन सा, रेमिंगटन या फिर इंस्क्रिप्ट, तो इंस्क्रिप्ट आपको पढ़ना है। आप चाहें तो मैं इसका फ्री पीडीएफ आपको कंप्लीट
ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दे रही हूँ। आप वहाँ से जाकर के इसका लिंक दे सकते हैं। साथ ही मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पर इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ हिंदी टाइपिंग में आपको इंस्क्रिप्ट दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्टली, बच्चों ने क्वेश्चन उठाया था कि हिंदी टाइपिंग आज तक तो आर ओ आर ओ के एग्जाम में आई नहीं है, तो इस बार कैसे आ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जो एनटीए ने लास्टली अभी रीसेंट पेपर जो कंडक्ट करा उसमें हिंदी टाइपिंग मंगल दी हुई थी, उस बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आपकी मंगल फॉन्ट या फिर मंगल इंस्क्रिप्ट आ सकती है। साथ ही बात करें कि पेपर में आ सकती है हिंदी टाइपिंग या नहीं आ सकती है, तो मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाहती हूँ, आपके डेली 20-30 मिनट्स आपके फ़ोन में कैसे चले जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता होगा, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के लिए 20-30 मिनट्स इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स मीन कि आप वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए तैयार हैं। एग्ज़ाम में आपको अगर इसको क्रैक करना है तो आप हर एक चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। आप एग्ज़ाम के पास आने के बाद जब नोटिफिकेशन आएगी तब अगर देखेंगे हिंदी टाइपिंग आई हुई है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपकी शेड्यूलिंग बिगड़ जाएगी, आपका जो टाइम टेबल था उसमें आप हिंदी टाइपिंग पे ज्यादा फॉलो करने लगेंगे और पूरा शेड्यूलिंग जो लास्ट टाइम आपने सोचा हुआ था रिवीजन करने का वो सब पूरा बिगड़ने लगेगा। इसलिए डेली का 20-30 मिनट्स देना इज नॉट बिग डील, आप बहुत आराम से 20-30 मिनट निकाल करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं बता रही हूँ आपके एग्जाम तक आप डेफिनेटली हिंदी टाइपिंग में अच्छी खासी स्पीड ले आ सकते हैं। और ज्यादा देखा जाए तो इंग्लिश टाइपिंग पिछली बार भी दिया नहीं था, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा नहीं दी थी, इसी बेसिस पे देखा जाए तो हिंदी टाइपिंग भी उतनी स्पीड नहीं देगा, नॉर्मल आपको 30-35 ही रहेगी स्पीड, और जो कि वो स्पीड आराम से गेन हो सकती है 1-1.5 महीने में। तो मे बी इस बार एग्जाम का लेवल अप करने के लिए इस बार आर ओ आर ओ में हो सकता है हिंदी टाइपिंग आप देखने मिल जाए, तो आप तैयार रहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। आप कोई भी इसको ऑप्शन नहीं दे सकते कि आपको डिस्क्वालीफाई करने का ये कोई भी ऑप्शन दे, आप हर चीज के लिए तैयार रहे ताकि नोटिफिकेशन डेट आपकी रिविजन डेट की हो, मतलब आप उस डे से रिविजन स्टार्ट करें अपना। इट इज जस्ट ऑल अबाउट वन स्टेज एग्जामिनेशन, आप एक स्टेज क्वालिफाई करके अधिकारी बन सकते हैं, तो इतनी मेहनत तो करनी होगी आपको। साथ ही आर ओ आर ओ और एपीएस की स्ट्रेटजी वीडियो और एएचसी आर ओ आर ओ का कितना कट ऑफ हो सकता है इस बार का, कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, बेस्ट बुक फॉर जीएस, सब कुछ मैंने आपको इन दोनों वीडियो में प्रोवाइड करा रखा है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंग्लिश हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है आर ओ आर ओ और एपीएस से रिलेटेड, उसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इन सबका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। हमारे हर एक सब्जेक्ट का टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वीडियो में उन सब का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।